Hello, my dear students, good afternoon. RS study point के YouTube channel पर आपका हार्दिक स्वागत है। देखते हैं आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं क्लास टेंथ। क्लास टेंथ का चैप्टर नंबर फाइव। ये NCERT का भी है, RD शर्मा का भी है और मनोहरे का भी है। चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी, इंग्लिश में कहेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट में AP। अब देखिए ये होता क्या है। तो सबसे पहले इसमें आते हैं अनुक्रम। अनुक्रम इसे बोलेंगे सीक्वेंस। संख्याओं का ऐसा समूह जिसमें संख्याएं किसी निश्चित क्रम में तथा किसी निश्चित नियम के अनुसार व्यवस्थित की गई हैं, अनुक्रम यानी सीक्वेंस कहलाता है। जैसे एग्जांपल है आपका, जैसे 1 3 5 7 ये आपका अनुक्रम कहलाया। यदि इसी को ऐड कर दिया जाएगा तो श्रेणी कहलाएगा। सीरीज मतलब यानी अनुक्रम को 1 + 3 + 5 + 7 + ... के रूप को क्या कहते हैं, श्रेणी कहते हैं। ये वाली श्रेणी और ये श्रेणी में अनुक्रम है, उन्हें जोड़कर लिखा हुआ है, वह आपका सीरीज कहलाएगा। अब आती बात है समांतर श्रेणी में। समांतर श्रेणी टॉपिक है, समांतर श्रेणी तो समांतर से आएगा, समान अंतर यानी ऐसे अनुक्रम जिनके पदों में समान अंतर हो, यानी पहला पद दूसरा पद तीसरा यानी इनके बीच में समान अंतर हो उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। तो देखिए समांतर श्रेणी पर आते हैं। हेडिंग समांतर श्रेणी ये वाला समांतर श्रेणी, ठीक है। समांतर श्रेणी शॉर्ट में लिख दो AP यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी की परिभाषा होगी ऐसे अनुक्रम जिनके पदों में समानांतर उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। ऐसे अनुक्रम होने चाहिए ऐसे अनुक्रम जिनके पदों के बीच अंतर समान हो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 ... यानी तीन ही डॉट डॉट लगाते हैं, इसका मतलब होता है एंड सो ऑन, यह क्रम जारी रहेगा, ठीक है। तीन लगाते हैं ज्यादा नहीं लगाएंगे, 1 2 3 4 5 ... ये आगे हो सकता है 2 4 6 8 10 ... ठीक, क्योंकि अब देखो 1 2 3 इसमें एक अंतर है, दो में से क्या एक, तीन में से दो गया एक, चार में से तीन गया एक, पांच में से चार गया एक, एक एक का अंतर चल रहा है। ऐसे ही चार में से दो जाएगा दो, छह में से चार गया दो, आठ में से छह गया दो, ऐसे ये इसमें दो का अंतर चल रहा है। तो ये आपकी समांतर श्रेणी, मतलब इसका ये हुआ ऐसे अनुक्रम जिनमें यानी जिनके पदों के बीच में अंतर समान हो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। ये आगे उदाहरण में आप देखते हैं, इसमें होता है एक सार्वांतर। सार्वांतर किसे कहते हैं, सार्वांतर जो इनके बीच में अंतर होता है वही सार्वांतर कहलाता है। सार्वांतर
सार्वभौमता यानी डिफरेंस, इसे डीसी प्लस करते हैं जैसे सार्वभौमता श्रेणी के पौधों के बीच आने वाले अंतर को सार्वांतर कहते हैं। जैसे ये था आपका पहला, एक दो तीन चार पांच डॉट डॉट, इसका सार्वांतर निकालेंगे। देखिए ये आपका पहला पद है, ये दूसरा है, तीसरा चौथा पांचवा डॉट डॉट, सार्वांतर यानी डिफरेंस, सार्वांतर ब्रैकेट में डी लिखते हैं कि सार्वांतर द्वितीय पद से टी टू माइनस टी वन या टी थ्री माइनस टी टू, यानी दूसरे में से पहला तीसरे में से दूसरा, इस तरह से टी फोर माइनस टी थ्री, तो टी टू माइनस टी वन दो माइनस ए तीन माइनस दो और चार माइनस तीन और कितना हो जाएगा, देखिए दो में से क्या एक, तीन में से एक, यही आपका क्या हो गया सात, ये आपका डिफरेंस यानी सात, ये आपका सार्वांतर कहलाता है। अब इसका व्यापक रूप क्या होता है, व्यापक रूप देखिए श्रेणी का व्यापक रूप, तो देखो समांतर समांतर श्रेणी का व्यापक रूप कैसे, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप यानी प्रथम पद हमने मान लिया, प्रथम माना प्रथम पद ए सार्वांतर डी, तब श्रेणी बनेगी आपकी, तब समांतर श्रेणी क्या बनेगी, देखो पहला पद दूसरा पद निकालने के लिए क्या करेंगे, डिफरेंस को जोड़ेंगे, कैसे ए में डी, डी का अंतर चल रहा है ए प्लस डी, अब इसे डी में एक और डी जोड़ दो तो कितना होगा टू डी हो जाएगा, ए प्लस टू डी, अब अगला पद बनाने के लिए इसमें भी 2d में एक डी जोड़ दो कितना हो गया a प्लस 3d, ऐसे ही डॉट डॉट आगे श्रेणी बनेगी, तो ये हो गया आपका समांतर श्रेणी का व्यापक। इसीलिए देखिए अब इसमें पहला पद है तो d नहीं है, दूसरा पद है d है, ऐसे इसीलिए इसका tn यानी इसे बोलेंगे nवां पद, nवां पद क्या बना आपका, एन वन पद को शॉर्ट में टी एन बराबर यानी श्रेणी का या ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी, मतलब देखो जब हम दूसरा पद निकाल रहे हैं तो एक टी आ रहा है, तीसरा निकाल रहे हैं तो दो, इसमें एक कम हो रहा है, इसीलिए इसका व्यापक रूप हो गया एन वन पद बराबर ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी, ये आपका सूत्र। अब देखते हैं ठीक है ना, बहुत सिंपल आ। अब आपकी एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन है कुछ और आरडी शर्मा के भी हैं तो देखता हूँ। देखें आपकी समांतर श्रेणी का पांचवा चैप्टर है उसमें क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं, देखो सेकेंड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन दर्शा इसलिए बाद में करेंगे, ए बराबर टेन डी बराबर टेन, अब इसमें कह रहा है दी हुई एपी के प्रथम चार पद लिखिए जबकि प्रथम पद और सार्वांतर दिया है, इसका कहना है प्रथम पद और सार्वांतर दिया है यानी इसे बोलते हैं प्रथम पद और इसे बोलते हैं सार्वांतर। अब इसके प्रथम चार पद लिखने हैं, प्रथम चार पद ज्ञात कीजिए, तो बहुत सिंपल है, देखिए टी वन यानी पहला पद,
ए, तो ए की जगह क्या है 10, टी टू, तो ए में टी को जोड़ो, 10 प्लस 10 कितना हो गया 20, ठीक है। टी थ्री, ए प्लस एक और डी जुड़ जाएगा, भाई एक और डी जुड़ जाएगा, कितना आएगा 2d, तो 10 प्लस 2 गुणा 10, 10 में 20 और 10 30। टी फोर, ए प्लस 3d, 10 प्लस 3 इंटू डी, 10 दिया 30 और 10 40, देखो सिंपल 10 20 30 40, ये आपका फिर दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसी तरह के दूसरा और तीसरा क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे यानी आगे कल करूंगा, ठीक है, सिंपल है। देखिए तुम्हारा दूसरे का पहला ए बराबर 10 यानी प्रथम पद दिया है, डी बराबर 10 यानी समांतर दिया है। अब इसके प्रथम चार पद निकालने हैं, तो टी वन ए पहला पद 10, टी टू ए प्लस डी 10 प्लस 10 20, टी थ्री ए प्लस 2d, ए की जगह 10 टू इंटू 10 में 20 और 10 30, टी फोर ए प्लस 3d 10 10 से 30 और 10 40, ठीक है ना। आगे आप स्वयं सॉल्व करेंगे, नहीं आएंगे तो हमसे पूछेंगे बाद में, ठीक है, ओके।